बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगले लेक्चर में हम रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी रिवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है, विच रिवर इज़ कॉल्ड लॉयन एंड एप्सासिन। लॉयन और एप्सासिन किस रिवर को कहा जाता है? तो वो रिवर है रिवर इंडस। इंडस रिवर को कहा जाता है लॉयन एंड एप्सासिन। उसके बाद है वेयर इज़ काबिल रिवर। काबिल रिवर इन केपीके। काबिल रिवर कहाँ पर है? ये केपीके में है। उसके बाद है इंडस रिवर स्टार्ट फ्राम। इंडस रिवर जो स्टार्ट होती है वो तिब्बत से शुरू होती है, जाते जाते अरबियन सी तक जाती है। अरबियन सी में फाल होती है, शुरू होती है तिब्बत से और अरबियन सी में फाल होती है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हिंगोल। विच इज़ नील ऑफ पाकिस्तान। इनमें से नील ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर को नील ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उसके बाद है शिमालय रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे शिमालय रिवर है वो है रावी रिवर। लेंथ ऑफ रावी रिवर की जो लेंथ है वो 715 मीटर है। उसके बाद है हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल जो रिवर्स हैं वो 24 हैं। उसके बाद है लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है, रिवर सिंध जिसे कहा जाता है, वो है 2896 किलोमीटर है उसकी लेंथ। उसके बाद है एंशियंट नेम ऑफ चिनाब। चिनाब की जो पुराना नाम है वो है इसनकी कहा जाता था चिनाब को। लेंथ ऑफ चिनाब रिवर 960। लेंथ ऑफ झीलम रिवर 725। उसके बाद हम आज लेक्स ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ते हैं इसके साथ साथ। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान मंचर लेक। मंचर लेक जो है ना वो फ्रेश वाटर लेक है और है भी सबसे बड़ी लेक। सो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान मंचर लेक। मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन दादू। ये दादू डिस्ट्रिक्ट में है, दादू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है वेयर इज सैफुल मलूक। सैफुल मलूक कहाँ पर है? के कागान। कागान में है। उसके बाद है लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक भी मंचर लेक ही है। वेयर इज़ कलर कहार लेक चकवाल पंजाब। ये कलर कहार लेक चकवाल पंजाब में है। वेयर इज़ किंजर लेक। किंजर लेक इट इज़ इन ठट्ठा सिंध। ये ठट्ठा सिंध में है। वेयर इज़ रावल लेक। रावल लेक जो है ना वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद है विच लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। हालेजी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, यानी कि जो परिंदों की जन्नत है वो हालेजी लेक है। उसके बाद है लार्जेस्ट मेन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हाथ से बनाई हुई लेक है वो है किंजर लेक। उसके बाद है विच लेक इज़ कॉल्ड वाइट लेक। ड्यूटी पार्ट्स आर ऐसी लेक है जो कि बिल्कुल ही वाइट है। विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट बर्ड सैनिटरी। जो एशिया में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो हालेजी लेक्स में पाए जाते हैं। इन हालेजी लेक वेयर बर्ड्स कम्स फ्राम इन विंटर साइबेरिया। जो हालेजी लेक है ना, ये लेक जो है ना इम्पॉर्टेंट लेक है, इसके क्वेश्चन याद कर लेने। और इस पे जो बहुत ज़्यादा पंखी होते हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं हालेजी लेक में। ये साइबेरिया से भी आते हैं, दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पर हालेजी लेक में वो बर्ड्स, न्यू बर्ड्स आते हैं, हर साल आते हैं। उसके बाद डैम्स एंड बैराजेस के बारे में भी आज पढ़ लें। जो पाकिस्तान में इन लेक्स पर, रिवर्स पर डैम्स भी बने हुए हैं, बैराजेस बने हुए हैं, सो उनके मुतलक भी आज पढ़ते हैं। जो 74 नंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गुलाम मोहम्मद बैराज इज़ कंस्ट्रक्टेड इन। गुलाम मोहम्मद बैराज वो रिवर इंडस है ना, उसके करीब ये कंस्ट्रक्ट की गई है। वर्साक डैम इज़ लोकेटेड ऑन काबिल रिवर। काबिल रिवर पर वर्साक डैम एक बनाया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ मंगला डैम। मंगला डैम 1000 मेगावाट तक ये प्रोड्यूस कर सकता है। ऑन विच रिवर मंगला डैम इज़ बिल्ट। झीलम रिवर है, उसके पास जो है ना ये मंगला डैम बिल्ट किया गया था। व्हाट इज़ टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वर्साक डैम? 240 मेगावाट। जो कैपेसिटी है ना वर्साक डैम की, वो 240 मेगावाट तक प्रोड्यूस कर सकता है बिजली को।
जो तरबेला डैम है वो कंस्ट्रक्टेड किया गया था 1976 को। मंगला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1967। ओल्डेस्ट हाइड्रोलिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे जो ओल्डेस्ट पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है मलकंड दरजाई। ये एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का सबसे पुराना, मलकंड दरजाई। उसके बाद है विच पाकिस्तानी डैम इज 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मंगला डैम वह डैम है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और दुनिया का 12वें नंबर पे। इन विच डिस्ट्रिक्ट मंगला डैम इज कंस्ट्रक्टेड? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मंगला डैम बनाया गया था। जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम 3478 मेगावाट, 3478 मेगावाट तरबेला डैम सिर्फ इतनी बिजली प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है टोटल टनल्स ऑफ मंगला डैम 5 टनल्स, जो टोटल टनल है मंगला डैम में वो 5 हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट में वो शो कर देनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में दे देना है आप लोगों ने। खुदा हाफिज़।